नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र भंडारी है और मैं देश के पत्रकारों के शीर्ष संगठन वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। इसके अलावा दोस्तों, मैं IPPCI मीडिया के नाम से 200 व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा हूँ। सारे मीडिया के ग्रुप्स हैं, आप लोग जानते ही हैं, हजारों पत्रकार इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज 25 अक्टूबर है, विजयदशमी है, बुराई पर अच्छाई की जीत का दिन है और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, आज कल हमारा 24 अक्टूबर को एक वेबिनार हुआ लेबर कोड्स के ऊपर, पत्रकारों के लेबर कोड्स के ऊपर। आप लोग जानते हैं कि वे पत्रकारों को लेकर लेबर कोड्स आए हैं, जो वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट जो 1955 का जो एक्ट था वो ख़त्म हो गया, अब लेबर कोड्स में जो है वो तब्दील हो गए हैं सारा कुछ। लेबर कोड्स को लेकर दोस्तों हम लोगों का एक वेबिनार था कल, जिसमें भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री पवन कुमार जी थे और देश के 50 के दशक के वरिष्ठ पत्रकार श्री केएन गुप्ता जी भी थे, उनका आशीर्वाद था हमारे साथ। देश में पत्रकारों का कोई भी मामला होता है तो केएन गुप्ता जी उससे जुड़े जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, देश के पत्रकारों की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट IFWJ के राष्ट्रीय महासचिव श्री परमानंद पांडे जी भी थे उस सेमिनार में। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट श्री ललन चौधरी जी भी थे। दोस्तों, उस कार्यक्रम में जो कल वेबिनार हुआ हमारा, उसमें लेबर कोड्स के बारे में ढेरों नई चीज़ें बताई गई, जिनसे कि हम लोग जानते ही नहीं थे, ना वाकिफ थे। सारे जो वक्ता थे उन्होंने हमें बताया। इसके अलावा दोस्तों, कल हमारे सामने श्री केएन गुप्ता जी प्रस्ताव लेकर आए वेबिनार के दौरान ही। उन्होंने कहा कि वे रिपब्लिक टीवी के जो पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, जो प्रताड़ना हो रही है, उस पर हम लोगों को उनका खुलकर साथ देना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, केएन गुप्ता जी के प्रस्ताव का हम लोगों ने, हमारी यूनियन ने, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया ने समर्थन किया। साथ में एक चीज़ और भी ऐड कर दी कि भी कोरोना महामारी के दौरान देश भर में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, देश भर में अलग अलग राज्यों में, उन मुकदमों को भी वापस लिया जाना चाहिए। रिपब्लिक टीवी के जो पत्रकार हैं उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं या हुए हैं, उनको भी वापस लिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव का जो समर्थन IFWJ के राष्ट्रीय महासचिव श्री परमानंद पांडे जी ने भी किया और प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ। दोस्तों, अभी तक हमारा ये देखना आया है कि भी जब भी देश में पत्रकार से जुड़े मामलों पर कुछ होता है, कोई अन्याय की घटना सामने आती है, प्रताड़ना की घटना सामने आती है या उसकी हत्या की भी मामला सामने आता है, तो कुछ पत्रकार संगठन या कुछ पत्रकार साथी जो हैं वो देखते हैं कि वो किस विचारधारा का पत्रकार था जिसके साथ अन्याय हुआ है। उसकी विचारधारा देखी जाती है, अगर उसकी विचारधारा जो है अनुकूल होती है तो वो पत्रकार संगठन आगे आते हैं, नहीं तो वो नहीं आते हैं। दोस्तों, पत्रकारों की बिरादरी एक ही है, हम सब लोग एक ही हैं, हम लोगों की एक ही बिरादरी है कि हम लोग पत्रकार हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सुख दुख के साथ ही हैं। देश में कहीं भी पत्रकारों के साथ कुछ मामला होगा या होता है, सभी पत्रकार संगठनों को एकजुट होना चाहिए। अब रिपब्लिक टीवी का ही मामला ले लो, वहाँ पर पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको मुंबई की पुलिस जिस तरह से प्रताड़ित कर रही है, क्या ये अच्छे लक्षण हैं पत्रकारिता के लिए, मीडिया के लिए, अपनी बिरादरी के लिए क्या ये अच्छे लक्षण हैं? अगर वो ट्रायल वहाँ पर वो ट्रायल अगर वो सफल हो गया जो मुंबई पुलिस कर रही है, तो दोस्तों आपको क्या नहीं लगता कि वही देश के अन्य राज्यों में भी ऐसे ट्रायल शुरू हो जाएगा, वहाँ की राज्य सरकारें भी ऐसा ही करेंगी? ये तो शुरुआत है ना, एक तो शुरुआत है, तो वहाँ पर जो दूसरे राज्य आएंगे वहाँ पर भी ऐसा ही होगा, वहाँ पर भी पत्रकार संगठन पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएँ होंगी। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है कि भाई सारे पत्रकार संगठनों को एकजुट होना चाहिए और देश भर में जहाँ भी अन्याय की घटनाएँ हो रही हैं, जहाँ भी पत्रकारों की प्रताड़ना हो रही है, चाहे वो पत्रकारों के खिलाफ कोरोना के जो मामले दर्ज हुए हैं महामारी के, या ये पब्लिक टीवी के पत्रकारों के साथ जो ये मामला हुआ है,
हम लोगों को खुलकर इसकी निंदा करनी चाहिए, पत्रकारों की विचारधारा नहीं देखनी चाहिए कि पत्रकारों की एक विचारधारा है। देश में अगर लोकतंत्र को सुरक्षित रखना है तो दोस्तों मेरा मानना है कि पत्रकारों को मजबूत करना होगा, मीडिया को मजबूत करना होगा। मीडिया मजबूत होगा तो देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा, नहीं तो देश में लोकतंत्र जो खतरे में पड़ जाएगा। हम ही लोग हैं जो कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अगर हम लोग अन्याय के शिकार हो रहे हैं तो सबको एकजुट होना पड़ेगा, सब संगठनों को एकजुट होना पड़ेगा। दोस्तों मुझे खुशी है कि देश के पत्रकारों की एक दूसरी बड़ी जो संगठन है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज कुमार मिश्रा और राष्ट्रीय महासचिव सुरेश शर्मा जी ने भी मुंबई की घटना जो हो रही है पत्रकारों के साथ जो अन्याय हो रहा है उन्होंने भी उसका समर्थन उसकी निंदा की है और ये घोषणा की है कि वे पत्रकारों के खिलाफ अगर अन्याय होगा तो वो खुलकर सामने आएंगे। हम लोग स्वागत करते हैं। देश के 203 बड़े पत्रकारों के संगठन हैं, IAWJ के राष्ट्रीय महासचिव श्री परमानंद राय, हमारी यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनूप चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव मैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री संजय उपाध्याय जी और NUJ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मनोज कुमार मिश्रा जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री सुरेश शर्मा जी, हम तीनों ने जो है घोषणा कर दी अपने अपने स्तर पर कि पत्रकारों के खिलाफ कहीं कुछ अन्याय होगा तो हम सब लोग जो है एकजुट होकर उसका विरोध करेंगे। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं, केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि वही जो रिपब्लिक टीवी का जो मामला है पत्रकारों के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है केंद्र सरकार को इसमें दखलंदाजी करनी चाहिए, ये बहुत गलत है। दोस्तों सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, सभी पत्रकार संगठनों को एकजुट होना पड़ेगा। मेरी आप सब लोगों से यही अपील है। धन्यवाद।